हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज ये ट्रेड टॉक की चौथी वीडियो है, यानी कि इस सीरीज की फोर्थ वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका स्टॉक का नाम है टाइटन। सो गाइस, टाइटन में अब किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखा था कि टाइटन में बहुत तेजी से 130 पॉइंट तक के भी ज़्यादा तक की गिरावट आई थी। सो किस तरीके से हमें टाइटन में ट्रेड करना है, क्या टाइटन कोई चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, नहीं बना रहा है, बाय करके चले कितनी और गिरावट हो सकती है, और क्या लेवल्स है कि अगर उस लेवल पे या अगर हम अपना एक सपोर्ट ढूंढ ले टाइटन के अंदर, और वहाँ से अगर हम बाय करें तो कहाँ तक वो पर्टिकुलर ये टाइटन कहाँ तक जा सकता है। सो इस वीडियो पे आज हम टाइटन पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, और साइड बाय साइड हम देखेंगे कि अब वो सपोर्ट से अगर हम टाइटन को बाय करते हैं तो कौन से लेवल्स बन सकते हैं और कौन से हायर लेवल तक ये जा सकता है। सो बढ़ते चार्ट्स की तरफ। सो गाइस, टाइटन का मैंने चार्ट ओपन कर रख दिया है। को पर्टिकुलरली टाइटन के अंदर कोई भी पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा है। सो हम सिर्फ ट्रेंड लाइन, और हम कह सकते हैं सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से टाइटन में और मूवमेंट दिखा सकते हैं और क्या इसका सपोर्ट है। हम ज़्यादातर टाइटन में अभी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी और फिर हम ट्रेंड लाइन के बेसिस में देखेंगे कि इसका उस सपोर्ट से हम कहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है, और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, सारे सपोर्ट्स को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मुझे दिखा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रेंड लाइन थे बिल्कुल इस जो गिरावट आई हुई है इस वीक के अंदर, जो गिरावट आई थी उसके लो तक जाके ट्रेंड लाइन मैच कर गई। अभी ट्रेंड लाइन मैच कर चुकी है तो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। शायद जो इसने इस पूरे हफ्ते में जो लो बनाया है, अगर हम उस लो को स्टॉप लॉस मान के अगर हम एक कॉन्ट्रा लेके बेट लेके बाय करते हैं तो शायद वो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि टाइटन हमें प्रॉफिट दे दे। और क्यों मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये जो आज इस वीक के अंदर इसने लो बनाया है वो शायद काम आ सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो इसने हैमर बनाया, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका डबल बॉटम का काम करेगा। मैं यहाँ पर एक बार एक लाइन बना देता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये डबल बॉटम का काम कर सकता है। आपने देखा था यहाँ से इसने हैमर बना के, हमने देखा था एक उछाल आई थी, उसके बाद ये दोबारा नीचे आया, उसी लेवल पे आ गया, और यहीं पर ही इसने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर हम एक स्टॉप लॉस मान के चले 1170 का, 1070 का अगर हम इसमें स्टॉप लॉस मान के चलते हैं और अगर इसमें बाय पोजीशन बनाते हैं तो शायद ये हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देकर जा सकता है। पर बाय चांस अगर ये 1070 का लेवल तोड़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो वीकली चार्ट में सजेस्ट कर रहा है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है, नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है वहाँ तक जा सकता है, जो कि 1010 का सपोर्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ। आप कॉपी पेन नोट कर लीजिए, आपको पहले बता चुके हैं। दूसरे पहले फेज में आपको क्या बताया गया है, कॉन्ट्रा बाय ले सकते हैं आप। कब ले सकते हैं, 11070 का स्टॉप लॉस मान के बाय कर सकते हैं। बट अगर 11070 का लेवल तोड़ती है तो वो कहाँ तक जा सकती है, ये आपको क्या बताया था मैंने, अगर 11070 का लेवल तोड़ती है तो वो डायरेक्ट 1000 तक जा सकती है। अब हम आते हैं इस फेज की तरफ, और इस फेज पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हुई है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है मैंने, गाइस ये देख सकते हैं आप कि ये एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है टाइटन। हम देखते थे कि चैनल के ऊपर जाता था, ये दोबारा उस सपोर्ट लेवल पे आ जाता था, फिर हम देखते थे ऊपर आता था। मैंने जब ये अपर रेजिस्टेंस के सारे हाइस के मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला जिस पॉइंट से हमने देखा कि इस यहाँ पर गिरावट आई है वही उसका ट्रेंड लाइन का या इस चैनल का हाई था। रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हमने देखा गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद हम देख रहे हैं कि इसी चैनल की लाइन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 दिन हो गए इसे कंसोलिडेट करते हुए, और वही कंसोलिडेशन को इस लाइन को नहीं तोड़ रहा। क्यों, क्योंकि वहां पर 200 दिन का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रहा है, और यहीं पर क्या लेवल है, ये 1070 का लेवल, और यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि 1070 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है।
अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 1070 के लेवल पे मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जी गाइस, आप देख सकते हैं 1070 के लेवल पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। ये वाली ट्रेंड लाइन को आपको देखना है, आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक ने यहाँ से अपमूव दिखाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा एक बार, इसने दोबारा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट तो दे दिया, पर वही जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था वही इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट बना, और यही सपोर्ट बना और चौथी बार यहाँ सपोर्ट बन रहा है फाइनली। सो गाइस आप देख सकते हैं, हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से बाउंस कर जाता है तो हमें कहाँ के टारगेट्स मिल देखने को मिल सकते हैं, 1170 के लेवल। जैसे हम, मैं कह रहा हूँ 1170 का लेवल, आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से एक, हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग दी है। सो फर्स्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ कि जिस लेवल से इसने गैप डाउन ओपनिंग देना शुरू करा जो कि 1170 का लेवल था, और क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि 1170 तक ये पर्टिकुलर टाइटन जा सकता है, और अगर 1170 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो ये अपनी गैप अप को फिल करने की कोशिश करेगा जो भी इसने गैप अप डाउन ओपनिंग दी थी। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक अगर नीचे गिरता है डेली चार्ट में तो ये कहाँ तक जा सकता है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर जब ये इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो हमने देखा जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिला इस लेवल पे, आप देख सकते हैं यहाँ से इस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया, तो वही नीचे वाला लेवल इस ट्रेंड लाइन के लिए सपोर्ट का काम करने लग गया। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 1113 1010 तक जा सकता है। सो अब क्या सजेशन मिल रही है हमें इस पर्टिकुलर फेज में कि अगर ये 1070 को तोड़ता है तो ये स्टॉक 1010 तक आराम से जा सकता है, या 1000 लेवल तक आराम से जा सकता है। पहले फेज में हमें यही पता चला कि 1070 पे हम बाय करके चल सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 1070 के स्टॉप लॉस को मान के, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉटम ही बना रहा है, यहाँ पर हम एक रिस्क ले सकते हैं बाय करके फॉर अ टारगेट ऑफ 1170। सेकेंड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1250 के, बट अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से नीचे गिर जाता है या डबल बॉटम को भी तोड़ देता है तो हमारा जो सेकेंड, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा नीचे की साइड वो होगा 1000 का टारगेट। बट अगर 1000 के टारगेट को बाई चांस तोड़ता है तब हम फिर हम अपनी नई स्ट्रैटेजी, या फिर तब हम जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत अलग हो जाएगा, तब हम नई स्टडी करेंगे। पर बेसिकली ये जो चार्ट पैटर्न है, जो भी टाइटन का चार्ट पैटर्न, अगर हम वीकली मंथली चार्ट सारे ले लें तो सजेस्ट यही कर रहा है कि इस लेवल से, 1000 के लेवल से, मैक्स टू मैक्स 1000 के लेवल से बाइंग आनी ही आनी है टाइटन के अंदर, और फिर हम नए हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर काउंटर यहाँ पर हायर हाईज ही बनाए जा रहे हैं, टाइटन ने यहाँ पर हायर हाईज ही बनाए थे, और अगर ये इस बॉटम को तोड़ देता है तो शायद हो सकता है कि यहाँ से नया लोअर लोज बनना शुरू भी हो जाए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है गाइस, अगर ये लेवल टूटता है तो हम अपनी नई, एक नया चार्ट पैटर्न डेवलप होगा, बट ये पैटर्न टूटने के बाद अगर ये 1000 के लेवल से बाउंस दे देता है और इस पैटर्न को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, इस जो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो डबल बॉटम है इसको ऊपर की तरफ तोड़ देता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है और शायद टाइटन यहाँ से और अपमूव दिखा सकता है। तो बेसिकली ये डबल बॉटम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस तरीके से ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी को टाइटन में फुलफिल करना है जी गाइस। अब आपको मैं एक, ये वीकली पैटर्न मैंने, वीकली चार्ट मैंने और ओपन करके रखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते थे ये एक चैनल के अंदर ट्रेड करता था, और मैं जब भी देखता हूँ इस वीकली चार्ट के चैनल के अंदर तो ये देखने को मिलता है कि जब भी ये टॉप जाता है, जब भी टाइटन अपने किसी भी अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो मिनिमम टू मिनिमम या मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि 50 दिन के मूविंग एवरेज को छूता ही छूता है, और वहाँ से फिर एक अप मूव आ जाती है। आपको मैं यहाँ पर भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक नीचे तो गिरता है पर यहाँ पर दोबारा 50 दिन के मूविंग एवरेज को छुआ के ऊपर निकल जाता है, फिर नीचे आता है, 50 दिन को छू के ऊपर आ जाता है, और उसका अगर 50 दिन को तोड़ता है तो 100 दिन तक जो जाता ही जाता है। तो गाइस ये आपको पता चल गया होगा कि हो सकता है कि टाइटन ज़्यादातर पूरे ट्रेंड लाइन चैनल के नीचे नहीं जाता, सपोर्ट को टेस्ट नहीं करता, पर शायद
अपने रेजिस्टेंस को बाउंस करके 100 दिन के मूविंग एवरेज से ही बाउंस कर जाता है। सो मैंने नोटिस करा कि अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ से इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ने गिरावट दिखाई, यहाँ पर चैनल से गिरावट आई। सो पहला टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है तो वो कहाँ तक जा सकता है अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज में। इधर साइड आप देखिएगा, 50 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है 1010 का लेवल। जी गाइस, तो हो सकता है कि टाइटन 1010 के लेवल तक आराम से जा सकता है, और अगर ये 1010 के लेवल तक तोड़ता है तो सीधा इसका 100 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है, जो कि 900 का लेवल बन सकता है। पर गाइस आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के शायद ही नीचे आए तो 910 का लेवल इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को एक पूरी तरीके से फुलफिल कर दे और यहाँ से ये दोबारा बाउंस दे जाए। सो आप पता चल गया होगा गाइस अगर आपको कि अगर ये 1000 का लेवल भी तोड़ती है तो इसका नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, वो है 900 का लेवल। पर मुझे लगता नहीं है कि वो टाइटन अब 900 के लेवल तक जाएगा, इतनी गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगी, क्योंकि एक बेस्ट स्टॉक है बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। सो 1000 लेवल का एक मैक्स टू मैक्स अभी हम सपोर्ट मान के चलेंगे, 1100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाइस। जी गाइस, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ने करीबन 1 बजे इसने अप मूव दी और 1015 के ऊपर निकलने की कोशिश करी। 1115 के ऊपर पर्टिकुलर टाइटन ने निकलने की कोशिश करी, जो कि इसका 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मेरी तरफ तरीके से आपको बाय की सलाह कब होगी, जब ये 1115 के ऊपर निकलता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। जैसे ये 1115 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा तो इसका अल्टीमेट फर्स्ट टारगेट जो सबसे पहले होगा वो 1180 का होगा। सो 1115 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता, हमने देखा था कि 1115 के ऊपर निकला फिर हमारी अगर हम लोग क्या सोचते कि हाँ ये इसके ऊपर निकला हम बाय कर लेते हैं, चलो 1120 में बाय कर लेंगे। ये कहाँ तक गया काउंटर, 1128 तक गया और वहीं से उसके नीचे चला गया और 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे इसने जाके क्लोजिंग दे दी। सो गाइस हमारे लिए क्या है कि जब तक ये 1120 के लेवल या 1115 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता टाइटन, तब तक हम इसमें एक फ्रेश बाइंग पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे और तब तक हम इसमें एक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। सो गाइस फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी कब है, 1120 के ऊपर। इसी की तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कहां पर सपोर्ट है और कहां तक ये पर्टिकुलर टाइटन जा सकता है। गाइस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा था, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्दर हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन के बेसिस में हमें जितना पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एनालिसिस ओपिनियन मिल रही थी वो सारी ओपिनियन हमने लेके आपके साथ शेयर कर दी है। सो अगर आपको टाइटन की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे खास कर ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो ट्रेड टॉक के लिए आपको कौन सी चाहिए। कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक में डाउट है, कोई भी अगर आपको स्टॉक लगता है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा रहेगा या आपके पोर्टफोलियो में आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो वो आप स्टॉक लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं वो आपके लिए स्टॉक के लिए वीडियो बताऊँगा कि वो अभी बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।